Hello friends, hi, how are you all? So this is Active Engineering Classes. I welcome all of you for this fresh topic, that is fresh start. Actually ये topic first year engineering को है. Maximum universities में एक तो ये first sem में होता है या second sem में होता है. Throughout India ये है. Okay friends, तो complex number topic का नाम है. इसमें हम पढ़ने वाले De Moivre's theorem. De Moivre's का cartesian का statement तो आपको पता है. Cos theta plus I sin theta का पावर n इज इक्वल टू कॉस ऑफ n थीटा प्लस i टाइम साइन ऑफ n थीटा. यहां पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मैं आपको पहले इसका स्टेप्स बताता हूं. तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए नॉर्मली किसी का भी रूट्स अगर हम फाइंड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो यहां पर सब में पहले होता है कार्टेशियन फॉर्म. क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म? z इज इक्वल टू x प्लस i y. ये होता है कार्टेशियन फॉर्म. x होता है रियल पार्ट, y होता है इमेजिनरी पार्ट. वेयर x इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड y इज इमेजिनरी पार्ट. उसके बाद में z इज इक्वल टू r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा. वेयर r इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z, r इज इक्वल टू मॉडुलस और मैग्नीट्यूड ऑफ z एंड थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड. उसके अलावा पुट थीटा इज इक्वल टू टू पाई के प्लस थीटा इन पोलार फॉर्म टू गेट जनरल पोलार फॉर्म. यस तो जेड इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट कॉस ऑफ टू पाई के प्लस थीटा प्लस आर इन ब्रैकेट साइन ऑफ टू पाई के प्लस थीटा. उसके बाद में टेकिंग एन रूट ऑन बोथ साइड्स. टेकिंग एन रूट ऑन बोथ साइड्स फ्रेम में आ रहा है ना? आ रहा है. हाँ तो यहाँ पे z टू द पावर वन बाई एन आर का पावर वन बाई एन कॉस ऑफ टू पाई के प्लस थीटा प्लस i टाइम साइन ऑफ टू पाई के प्लस थीटा का पावर वन बाई एन. अब पावर का नंबर ये एंगल में आ जाएगा. यहाँ पे ये रूल है ना? हाँ. यूजिंग cos थीटा प्लस i sin थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस i sin ऑफ n थीटा. क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? De Moivre's थ्योरम. क्या बोलते हैं इसको? De Moivre's थ्योरम. तो ये होगा z टू द पावर 1 बाय n इज इक्वल टू r टू द पावर 1 बाय n इन ब्रैकेट cos ऑफ 2 पाई के प्लस थीटा इनटू 1 बाय n. वो पावर का अपॉन n आया ना, अपॉन n प्लस r टाइम sin ऑफ 2 पाई के प्लस थीटा अपॉन n. क्लियर कट? हाँ. अब इसके बाद में क्या होता है? पुट के इज इक्वल टू जीरो वन टू अप टू सो ऑन इन इक्वेशन वन टू गेट रूट्स. अब यहां पे चॉइस है अपने को जेड जीरो जेड वन जेड टू जेड थ्री बोलो या फिर जेड वन जेड टू जेड थ्री जेड फोर एंड सो ऑन बोलो. यस. अगर कोई इक्वेशन अलजेब्रिक इक्वेशन अगर x में तो रूट्स क्या आएंगे? x1 x2 x3 x4 ऐसे आएंगे. समझ में आया? तो यहाँ पे k का वैल्यू पुट करते जाना, रूट आ लेते जाना. सो k के वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और रूट्स लेते जाएंगे आगे. यस. अच्छे से देख लो, एक एक स्टेप बताया मैंने. एक क्वेश्चन इस पे हमें लेना है. कॉम्प्लेक्स नंबर ये इंजीनियरिंग का है, पॉलिटेक्निक का नहीं है. ये मतलब बेसिक इसका पॉलिटेक्निक का है, वो तो बेसिक थोड़ी चेंज होगा. Find the different values of ये reference book में क्या problem है. तो यहां पे हम पूरी ये यही steps follow करके आगे बढ़ने वाले हैं. Yes, इतना पूरा problem complete करेंगे. दोस्तों इतना problem complete कर देंगे. Yes, कोई बात नहीं. तो देखो अच्छे से. हाँ, यहां पे हो रहा है z इज इक्वल टू वन प्लस आई.
वन प्लस आई दोस्तों ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कंपेयरिंग दिस विथ हाँ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई वी गेट हाँ एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू वन आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना पॉइंट पी एक्स कम वाई लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स और वाई दोनों भी पॉजिटिव है पॉजिटिव पॉजिटिव और क्वाड्रेंट के हिसाब से पता है ना आपको दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर यानी आर आ रहा है रूट टू यानी आर आ रहा है और ठीक है बाद में करेंगे. हाँ ये थीटा आ रहा है इसका टेन इनवर्स ऑफ फाइव एक्स मॉड ऑफ फाइव एक्स किया तो भी चलता टेन इनवर्स ऑफ वन बाय वन यानी टेन इनवर्स ऑफ वन यानी फाइव बाय फोर. सो पोलर फॉर्म ऑफ जेड जेड इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा ये होता है पोलर फॉर्म. ये है कार्टेशियन फॉर्म. तो सब में पहले कार्टेशियन फॉर्म पहले क्या फाइंड करेंगे कार्टेशियन फॉर्म फिर क्या फाइंड करेंगे अच्छे से देख लो कार्टेशियन के बाद क्या होगा पोलर फॉर्म होगा दोस्तों. सो यहां पर आर कॉस ऑफ पाई बाय फोर प्लस आई साइन ऑफ एक मिनट कॉस पाई बाय फोर प्लस आई साइन ऑफ पाई बाय फोर. अब ये वो एक्चुअल पोलर फॉर्म पुट थीटा इज इक्वल टू टू पाई के प्लस थीटा दैट इज एक सेकंड टू पाई के प्लस पाई बाय फोर टू गेट जनरल पोलर फॉर्म टू गेट जनरल पोलर फॉर्म. तो जनरल पोलर फॉर्म चाहिए हमें यस दोस्तों हमें क्या चाहिए अभी जनरल पोलर फॉर्म चाहिए. सो जेड इज इक्वल टू रूट टू इन ब्रैकेट कॉस ऑफ ये देखो अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा वो ठीक है इतना स्टेप रख देते हैं टू पाई के प्लस पाई बाय फोर प्लस आई टाइम साइन ऑफ टू पाई के प्लस पाई बाय फोर ओके जेड इज इक्वल टू रूट टू इन ब्रैकेट एट पाई के प्लस पाई अपॉन फोर प्लस आई टाइम साइन ऑफ एट पाई के प्लस पाई अपॉन फोर यस. तो मेरे प्यारे साथियों ये हुआ जीपीएफ जनरल पोलर फॉर्म एक्चुअल जनरल पोलर फॉर्म हुआ ये. अब उसके बाद में पावर में जो है वन बाय थ्री वन बाय फोर थ्री बाय फोर थ्री बाय एट एट बाय थ्री जो भी होगा फ्रैक्शन उतना उसका पावर लेना है वो हुआ यंत्र रूट मतलब. तो टेकिंग वन बाय थर्ड पावर ऑन बोथ साइड्स टेकिंग वन बाय थर्ड पावर ऑन बोथ साइड्स तो ये होगा जेड का पावर वन बाय थ्री रूट टू को लिखेंगे टू का पावर वन बाय टू का पावर वन बाय थ्री इंटू कॉस ऑफ हाँ एट पाई के प्लस पाई बाय फोर प्लस आई इंटू साइन ऑफ एट पाई के प्लस पाई बाय फोर का पावर वन बाय थ्री. अभी आपको पता है यहां पे क्या करना पड़ेगा तो टू एज इट इज वन बाय टू इंटू वन बाय थ्री होगा वन बाय सिक्स पावर में प्रोडक्ट होगा ना उसका हाँ और ये वन बाय थ्री पावर का नंबर एंगल में आ जाता वजह डी मार्वर्स थ्योरम फोर इंटू थ्री वन बाय थ्री मतलब अपॉन थ्री होगा ना प्लस आर इंटू साइन ऑफ एट पाई के प्लस पाई अपॉन फोर इंटू थ्री. इसका रीजन क्या है दोस्तों डी मार्वर्स थ्योरम क्या इसका रीजन पावर का वन बाय थ्री एंगल में आया कॉस और साइन के बाजू में वो एंगल में मल्टीप्लाई हुआ इसको बोलते पावर का नंबर एंगल में आता यानी डी मार्वर्स थ्योरम अप्लाई होता है वहां पे. अब इसके बाद में ये हुआ जेड टू द पावर वन बाय थ्री ये हुआ टू टू द पावर वन बाय सिक्स हाँ इंटू कॉस ऑफ एट पाई के प्लस पाई अपॉन ट्वेल्व प्लस आई इंटू साइन ऑफ
8 pi k plus pi upon 12. Call it as equation number 2. या इक्वेशन नंबर वन ही बोला, अभी तक कोई बुक नहीं हुआ ना यहाँ पे, तो आई थिंक यहां तक अच्छे से आ रहा होगा फ्रेम में. यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों. यस, यहाँ पे अच्छे से है सब. हाँ, इसके बाद में क्या होगा अभी देखेंगे. देखो पावर 1/3 था, मतलब तीन वैल्यू आएंगे इसके, तो यहाँ पर क्या करना है, तीन वैल्यूज आएंगे ना यहाँ पे, डिफरेंट वैल्यूज या थ्री रूट्स. सो पुट k इज इक्वल टू 0, 1, 2 इन इक्वेशन 1 टू गेट रूट्स. रूट्स का नाम यहाँ पे जेड टू द पावर 1/3 नहीं होगा, z1 z2 z3. तो वेन k इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 क्या मिलेगा हमें, z1 इज इक्वल टू 2 to the power 1/6 इन टू कॉस ऑफ k की जगह 0 रखो ना. एक वैल्यू मैं आपको रख के बताता हूं, आई इंटू साइन ऑफ 8 पाई इंटू 0 प्लस पाई अपॉन 12. 8 पाई इंटू 0 0 हो जाएगा. सो z1 इज इक्वल टू 2 to the power 1/6 कॉस ऑफ पाई बाय 12 प्लस आई टाइम साइन ऑफ पाई बाय 12. इक्वेशन नाम नहीं दिया तो भी चलेगा, ये हुआ फर्स्ट रूट. z1 इज द फर्स्ट रूट इन दिस केस. k का वैल्यू बढ़ाते जाना, रूट्स आगे लेते जाना, मतलब k का वैल्यू 0 रखा इक्वेशन 1 में, हमें मिला फर्स्ट रूट यानी z1. कुछ लोग इसको z0 भी बोल सकते हैं, वो भी मैथमेटिकली करेक्ट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहां पर यू कैन चेक आउट, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ k बाय 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट द वैल्यू दैट इज z2 इज इक्वल टू 2 raised to 1/6 into cos of 8 pi into 1 plus pi by 12. So 8 pi into 1 plus pi by 12. जो cos का हाल है वही sin का हाल है. So जो cos का एंगल है वही sin का एंगल है. So यहां पे 2 to the power 1/6 cos ऑफ 9 pi by 12 प्लस i टाइम sin ऑफ 9 pi by 12. इसको आप डिवाइड भी कर सकते हो, बहुत नीचे लिखूंगा तो शायद समझेगा नहीं. थोड़ा सा हम लास्ट वैल्यू तो डायरेक्टली लिख सकते हैं. एक मिनट, नीचे लिखा तो आएगा ना. यस, जान तो ऊपर लिख देते हैं. 2 to the power 1/6 इंटू cos ऑफ 3 pi by 4 प्लस साइन ऑफ आई साइन ऑफ 3 pi by 4. यस, तो ये हुआ आपका z2. क्या हुआ z2? हाँ, वेन k इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हाँ डायरेक्ट थोड़ा सा, z3 इज इक्वल टू 2 to the power 1/6 इंटू कॉस ऑफ 8 pi into, अब वैल्यू 2 रखेंगे ना, 8 pi into 2 प्लस पाई अपॉन 12. सो द एंगल ऑफ कॉस एंड साइन विल बी इक्वल, नो प्रॉब्लम. सो यू कैन चेक आउट द आंसर. यस, सो यू शुड नो दैट z1, z2, and z3 आर द रिक्वायर्ड रूट्स. So 2 raised to 1/6 cos of 8 pi into 2, 16 pi plus pi, 17 pi by 12 plus I into sin of 17 pi by 12. So यहां पर आप चेक कर सकते हो, therefore z1, z2, and z3 are required roots or different values. और डिफरेंट वैल्यूज. तो प्यारे दोस्तों, सब में पहली बात याद रखना है, फिर से एक बार मैं डायलॉग रिपीट करा दूं. सब में पहले होता है कार्टेशियन फॉर्म z = x + iy, फिर होता है कार्टेशियन को कन्वर्ट करते हैं पोलर फॉर्म बाय फाइंडिंग r एंड थीटा. r यानी मॉडुलस, थीटा यानी मैग्नीट्यूड, वो क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट पे है.
वो तो आपको आता है, सिंपल है वो। फिर होता है पोलर फॉर्म के बाद जनरल पोलर फॉर्म बाय पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 2π k + थीटा। तो जो भी थीटा आया उसमें 2π k + थीटा वो रिप्लेस करके जनरल पोलर फॉर्म होता है। फिर जितना भी रूट लेना है पावर में वो ले लेना, टेक यंत्र रूट ऑन बोथ साइड और व्हाट एवर द पावर सेड। ओके, आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई डी मॉर्गन थ्योरम एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पुट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, वी गेट द डिफरेंट रूट्स z1 z2 z3 z4 और z0 z1 z2 z3। तो आप z0 से स्टार्ट कर रहे हो या z1 से स्टार्ट कर रहे हो वो देख लेना एक बार। ओके दोस्तों, सो बहुत आसान है, बिल्कुल इजी है, डोंट वरी अबाउट दैट। वी हैव टू वर्क हार्ड, यू विल अंडरस्टैंड, डेफिनेटली सक्सेस इज आवर्स। थैंक यू।